हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी वेजिटेबल फ्राइड राइस या भेज पुलाव। ये फ्राइड राइस चिकन या दम आलू के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए भेज फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। भेज फ्राइड राइस बनाने के लिए मैं गोविंदभोग चावल यूज़ कर रही हूँ। ये बंगाल के बर्धमान का फेमस राइस है। इसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। ये चावल बहुत ही छोटी होती है। इसकी जगह पर आप कोई भी लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं, पर इसी चावल में ये फ्राइड राइस सबसे अच्छी बनती है, क्योंकि ये चावल बहुत ही खुशबूदार होती है और मेरे घर में सभी इसी चावल को पसंद करते हैं इस फ्राइड राइस के लिए। चावल को हम दो तीन बार अच्छे से ठंडे पानी में धोएंगे। भिगोना नहीं है, नहीं तो चावल टूटकर ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले मैंने एक पतीले में पानी उबलने के लिए रखा है। इसमें मैं एक बड़ा चम्मच नमक ऐड करूंगी और इसी के साथ एक बड़ा चम्मच ऑयल डालूंगी। इससे चावल आपस में नहीं चिपकेगा। अब चावल को हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। अच्छे से स्टर कर देंगे, नहीं तो चावल नीचे चिपक जाएगा। इस चावल को बहुत ही ध्यान से कुक करना है। ये चावल बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो इसे पकाते वक्त चावल के पास ही रहना है। चावल को हमें कुक करना है और खिला खिला चावल तैयार करना है, और ध्यान भी रखना है कि चावल कच्चा ना रह जाए। अब देखिए, चावल अच्छे से कुक हो गई है। अब हम चावल को ड्रेन कर लेंगे। अब उसी पैन को मैंने थोड़ा सा धोकर ले लिया है। इस पैन में मैं सबसे पहले दो बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी डालूंगी। घी में ही ये राइस सबसे अच्छी बनती है। आप भी इसे घी में ही बनाएं, पर अगर घी अवॉइड करते हैं तो तेल में भी बना सकते हैं। अब घी गर्म होने पर हम इसमें दो तेजपत्ते डालेंगे। इसके साथ डालेंगे 3 से 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 काली मिर्च और 1 मुट्ठी बादाम, जिसे मैंने ब्लंच करके हाफ में काट कर डाला है। इसे 1 मिनट तक स्टर करते हुए पका लेंगे। अब देखिए, मैंने 3/4 कप गोल्डन रेजिन लिया है। इसे मैंने अच्छे से धोकर लिया है। किसी भी तरह का किशमिश आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी लगभग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, इससे किशमिश थोड़ी सी फूल जाएगी। तो देखिए, किशमिश फूल कर थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब देखिए, वेजिटेबल्स में मैंने फ्रेंच बीन्स, कैरेट और कैप्सिकम लिया है छोटे टुकड़ों में काट कर। देखिए, मैंने इसे बिल्कुल ही छोटे टुकड़ों में काटा है। अब सब्जियों को इसमें डाल देंगे, अच्छे से स्टर कर देंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक को ध्यान से डालेंगे, क्योंकि चावल में भी हमने नमक डाला था। नमक को सब्जियों में मिला देंगे और सब्जियों को फ्राई करेंगे जब तक कि सब्जियां अच्छे से पक ना जाए। सब्जियां पकाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सब्जियों का कलर बरकरार रहे। अब देखिए, सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें रोज़ वाटर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच। केवड़ा वाटर भी डाल दूंगी। अगर एसेंस डाल रहे हैं तो कम डालें। एक बार अच्छे से मिला देंगे। अब मैं इसमें अपना राइस डाल दूंगी।
पूरा चावल मैंने डाल दिया है। चावल को हल्के हाथों से सब्जियों के साथ मिला देंगे और देखिए फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत लग रही है ये फ्राइड राइस। तो इसे आप सर्व करेंगे। मैं इसे चिकन करी के साथ सर्व कर रही हूँ, तो इसे जल्दी से घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी तरह तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ के वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी फटाफट क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप देख पाएँ सबसे पहले। तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।